अब मैं युग परिवर्तक, इतिहास के रचयिता, प्रातः स्मरणीय, साय वंदनीय, पूज्य स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि वो हम सबको आशीर्वचन दें ताकि हम इस जिंदगी के पथ पर एक संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहें। पूज्य स्वामी जी। आप लोग भी थोड़े इधर आ जाओ, पीछे से क्या ज्यादा ताकत मिलती है? आप इधर आ जाओ, इधर इधर आप थोड़े नजदीक हो जाओ, रिंग वाले हाँ नजदीक नजदीक हो जाओ, आप भी थोड़े आगे आ जाइए, इतनी दूर मत रहिए। हाँ थोड़ा नजदीक आएंगे तो ज्यादा अंदर तक, बस यहाँ तक रहिए। अब अच्छे लग रहे हैं ना? बस बस शांत, बच्चों बोलोगी नहीं ना थोड़ी देर? जो नहीं बोलेगा उसी को लड्डू मिलेगा, लड्डू खाते हैं ना अभी इसके बाद, है ना? मेरे साथ हाथ उठा करके सब जय बोलेंगे, तो चलो हाथ उठाओ एक साथ। भारत माता की, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। 68वें स्वाधीनता दिवस की आप सबको और संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी इस आज के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, और आपका भी अभिनंदन, क्योंकि इस देश को बनाने में आपने भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। जब हम 15 अगस्त और 26 जनवरी पर देश के अध्यात्म धर्म, शांति धर्म, उन ऋषि शिखाओं और वीर वीरांगनाओं को याद करते हैं जिन्होंने शहादत दे के, कुर्बानी दे के, पुरुषार्थ करके, तप करके, बलिदान दे करके या आज का शुभ अवसर हमें देखने को दिया है, जब उनको याद करते हैं तो हृदय कृतज्ञता से भर आता है। तो आज का दिन कृतज्ञता का दिन है। किसका दिन है? कृतज्ञता। क्या शब्द बोलो? कृतज्ञता का मतलब है उपकार को मानना। कृतज्ञता का क्या अर्थ है? अपने पूर्वजों ने, वीर वीरांगनाओं ने, चंद्रशेखर, राजगुरु, सहदेव, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्माबाई, झलकारी बाई, अलूरी सीताराम राजू, इन सब ने अपने जीवन की, प्राणों की आहुति न दी होती, उन्होंने बलिदान ना दिए होते तो देश आजाद हो जाता? तो उन लोगों ने अपने खून से सींचा इस भारत माता को। तो अपने महापुरुषों ने, जिन्होंने इस देश के लिए खून दिया, क्या उस देश के लिए हम कुछ काम नहीं कर सकते? बोलो, कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, देश की सेवा ही कर रहे हैं। यदि पढ़ाई नहीं करोगे तो देश की सेवा कर पाओगे क्या? तो जो पढ़ाई करता है वो देश की सेवा करता है। आप भी पढ़ाई करके क्या करेंगे? देश की, या तो टीचर बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, पुलिस वाले बनेंगे, आर्मी वाले बनेंगे, कोई बहुत बड़े नेता बनेंगे, अभिनेता बनेंगे, जो भी बनेंगे सब कुछ बन करके देश की सेवा करेंगे। पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं? सेवा के लिए। किसके लिए कर रहे हैं बच्चों पढ़ाई? और आपके माँ बाप आपको किसके लिए पढ़ा रहे हैं? सेवा के लिए। और आपके माँ बाप आपकी क्या कर रहे हैं? सेवा। और ये किसान पूरे देश को अन्न खिलाते हैं और एलोवेरा का जूस पिलाते हैं। यहां कितने कितने टन जो है वो एलोवेरा के पत्ते आते हैं? 50 टन। कितने? इनको प्रतिदिन कौन कौन पैदा करता है इन एलोवेरा के पत्तों को? तो किसान देश की क्या कर रहे हैं? यह हम जो अनाज खाते हैं, सब लोग तो खेती नहीं करते ना, कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग व्यापार करते हैं, कुछ लोग रिसर्च करते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं ना। तो जो किसान है वो भी क्या कर रहे हैं? देश की सेवा। जो नौकरी कर रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं? देश की।
जो भी कर रहे हैं सब देश की सेवा कर रहे हैं। देश की सेवा केवल सैनिक नहीं करते, 125 करोड़ हिंदुस्तान के भाई बहन क्या कर रहे हैं, देश की। और आप लोग पतंजलि में भी जो कर रहे हो इससे क्या हो रही है, देश की सेवा। क्या कर रहे हैं आप सब लोग, देश की, और वो भी सबसे बड़ी सेवा। देखो दुनिया में नंबर वन होना बहुत बड़ी बात होती है। आप दुनिया में सबसे बलवान हो, पावर में नंबर वन, पैसे में नंबर वन, आप दुनिया में सबसे धनवान हो, कितनी बड़ी बात है। आप दुनिया में सबसे बड़े बुद्धिमान हो, कितनी बड़ी बात है, बोलो, बड़ी बात होती है ना। अरे भाई दुनिया में सबसे बलवान आदमी है भाई, सबसे धनवान आदमी है, सबसे बुद्धिमान आदमी है, और बोले भाई सबसे दुनिया में सुंदर है। तो पतंजलि आयुर्वेद, आयुर्वेद के क्षेत्र में दुनिया में नंबर वन है, ये कितनी बड़ी बात है। पतंजलि आयुर्वेद पूरी दुनिया में आयुर्वेद के क्षेत्र में नंबर, और आयुर्वेद पर आधारित ये फूड पार्क दुनिया का नंबर वन फूड पार्क, और फूड पार्क में काम करने वाले भी नंबर वन ही हो आप, हा? तो आप सब हो नंबर एक नंबर का होना चाहिए आदमी को, दोयम दर्जे का नहीं, दोयम दर्जे का आदमी को यहां नहीं होता, नहीं, हमें रहना है नंबर। मैं बच्चों से बोलता हूं, हेल्थ में नंबर वन, फिटनेस में नंबर वन, नॉलेज में नंबर वन, करेक्ट में नंबर, और सबको मिलके भारत को बनाना है नंबर, ये काम करना। तो आप लोग तो ऑलरेडी नंबर वन हो, और ये नंबर वन होने का गौरव श्रद्धेय आचार्य श्री के पुरुषार्थ से मिला है, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और हम सबको मिलकर के आज स्वाधीनता दिवस पर यह संकल्प लेना है कि अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने इस भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है, और भारत को उसका खोया हुआ गौरव दिलाना है, ये संकल्प लेकर के जाना है। आध्यात्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से खुद बहुत ऊंचा उठना है और देश को ऊंचा उठाना है। ये जज्बा, ये जोश, ये जुनून, ये शौर्य, ये पराक्रम, ये साहस, संकल्प आपका अखंड रहे निरंतर आपके हृदय में। ये संकल्प की ज्योति, ये ज्ञान की ज्योति, ये प्रकाश जागृत रहे, ऐसा सब कुछ जीना है। तो आज एक तो अपने उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव, आदर का भाव, गौरव का भाव, श्रद्धा की पराकाष्ठा, जिन्होंने अपने बलिदान दे करके, अपने जीवन की सर्वोच्च आहुति दे करके इस देश को आजादी दिलाई। अच्छा बताओ, हम सबसे ज्यादा प्यार पैसे से करते हैं या जिंदगी से? आदमी को पैसे दे करके जिंदगी बसती हो तो आदमी जिंदगी बचाएगा पैसे को, जिंदगी को? तो आदमी को जिंदगी प्यारी है कि पैसे? जिंदगी के लिए है पैसे। यद्यपि आदमी जिंदगी भर भी पैसे कमाता है, लेकिन जब पैसे और जिंदगी दोनों हो तो दोनों में हम पैसे को चुनते हैं जिंदगी को? जिंदगी को। आदमी को सबसे ज्यादा अपने प्राण प्यारे होते हैं, और शहीदों को अपने प्राण प्यारे नहीं थे, अपना शरीर प्यारा नहीं था, अपना जिस्म प्यारा नहीं था, अपनी जवानी प्यारी नहीं थी, और ज्यादातर जो शहीद हुए उन्होंने तो शादी भी नहीं कराई थी, उनको शादी प्यारी नहीं थी, उनको भारत माता प्राणों से भी प्यारी थी, इसलिए हम आज उनको नमन करते हैं। ऐसा ही हम सबके हृदयों में अपने उन वीरों के प्रति, अपने उन शहीदों के प्रति जिनको भारत माता से अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार था, उनको प्रणाम करना है। इसके लिए है स्वाधीनता दिवस। आज क्या है बोलो? स्वाधीनता दिवस। इसको स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस। यो तो भारत 200 करोड़ वर्ष पुराना देश है, कितना पुराना, और इसको पूरी गिनती गिननी हो ना तो 1,96,08,53,115 वर्ष, गिन के बताइयो, 1,96,08,53,115 वर्ष।
इतना पुराना देश दुनिया में कोई है? पूरी दुनिया की संस्कृति 500, 1500, 2, 3 हजार सालों में सिमट जाती है। भारत दुनिया का 200 करोड़ वर्ष पुराना देश है, इसके ऊपर हमें गौरव है, अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी परंपराओं पर और खुद पर भी, कि उसे महान देश में हम पैदा हुए जिसमें भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान हनुमान, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, महारानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्माबाई, झलकारीबाई, अलोरी सीताराम, राजू, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, ऐसे महापुरुषों ने, वीर वीरांगनाओं ने जन्म लिया, उस भारत में मैंने जन्म लिया है, ये सबके भीतर गौरव होना चाहिए। और मैं भी उन्हीं जैसा हूं और वैसे ही मुझे बनना। बोलो, आप कोई भगत सिंह से कम हो क्या? बोलो, भगत सिंह भी तो आपकी तरह ही गांव, छोटे से गांव में पैदा हुआ। चंद्रशेखर आजाद के माता पिता बहुत गरीब थे, साधारण परिवारों में पैदा हुए हमारे अधिकतम क्रांतिकारी, सब छोटे छोटे परिवारों में पैदा हुए। चलो पीछे की बातें हमको शायद पूरी समझ में ना आए। हम किसी राजा के घर में पैदा हुए, बोलो, किसी राजा के घर में पैदा हुआ मैं? श्रद्धाचार्य जी किसी महाराजा के घर में पैदा हुए? कहां पैदा हुए? गांव में। कहां पैदा हुए? गांव में, अनपढ़ माँ बाप के घर में। और तुम्हारी तरह सरकारी स्कूल में पढ़े? सरकारी स्कूल सरकारी नहीं होता, आजकल तो बहुत बुरा हाल है। सरकारी स्कूल में लोग कहते रहे, ये अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, इसका मतलब इसके पास पैसे कम होंगे। ऐसा बोलते ना गांव में, है ना? हम उसी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और हम चाहते हैं देश में गरीब और अमीर के लिए अलग अलग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए कि जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा देश भी बनेगा, हम बनाएंगे। तो भाई जब हम अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा होके, गांव में पैदा होते होकर के, सरकारी स्कूल में पैदा होकर के, थोड़ा सरकारी काम किया कि नहीं? सरकारों की जड़ें उखाड़ दी, वंशवाद, परिवारवाद और चारों तरफ जो भ्रष्टाचार, अनाचार, अधर्म, असत्य, न्याय, जुर्म, जाति फैला हुआ था। लोग कहते थे कि तुम कौन होते हमको चुनौती देने वाले? जिनका अहंकार शिखर पर था, रावण से भी ज्यादा जो दंभी अहंकारी हो गए थे, आज उनकी लंका जल चुकी है और सत्ता के सिंहासन पर एक बहुत बड़े परिवर्तन का इतिहास लिखा जा चुका है, उसमें आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। ये तो 9 महीने की तो अब की बात है, करीब 5 साल हो गए हम गए, करीब 20 लाख किलोमीटर पूरे देश में घूमे। कितना? अरे मैं तो घूमा, तुम बोलो तो कितने किलोमीटर? 20 लाख किलोमीटर, और करीब 20 करोड़ लोगों से ऐसे ही मिला जैसे आपसे मिल रहा हूं। कितने कितने होते हैं 20 करोड़, बताएं बेरा? 20 करोड़। अपने पूरा उत्तराखंड में कितने रहते हैं? बोले साहब जी हमारे गांव का पता। किसी किसी तो गांव का भी नहीं पता। और एक काम तो हो गया, सत्ता तो बदल गई, लेकिन अभी व्यवस्था बदलना शेष है। भ्रष्टाचार को भी मिटाना है, लाखों करोड़ रुपए जो काले धन के रूप में जमा है वो भी देश को दिलाना है। और इस स्वाधीन भारत में, इस आजाद भारत में, आज भी जो भाषा की गुलामी है, आज भी जो साम्राज्यवाद की गुलामी है, विदेशी कंपनियों की गुलामी है, उसको भी आपको मिटाना है। ये संकल्प भी आज आपको लेकर के जाना है, बहुत बड़ा काम आपको करके दिखाना, और बहुत बड़ा काम आपने किया है। ये जो कार्य पतंजलि की ओर से हो रहा है, कोई अकेले स्वामी रामदेव, अकेले आचार्य भरक्षण ने नहीं किया है, आप सब हमारे हाथ हैं और आप सब हमारे साथ हैं, तब ये काम हुआ। आप सब हमारे हाथ और सब हमारे, तो हमारे दो हाथ नहीं, कितने हाथ हैं? हजारों। कितने हजारों? तो यहां बैठे हजारों, तो यही बैठे भाई, और पूरे देश में लाखों करोड़ों बेरा भाई तुमने भी। हाँ बोला भाई, इसीलिए तो यो काम यू बढ़ रहा।
मैं तो किसी का पड़ोसी ते भी पंगा हो जाए तो हाल बुरा हो जाए, और हमने तो बड़े बड़े सो पंगा लिया ठिकाने लगा दिया। वो किसके बल पे? थारे बल पे। किसके बल पे? तुम्हारे बल पे लगा। तुम भी पक्के हो एकदम? डटे रहे मैदाने जंग में और झंडा गाड़ दिया, और आज ऊपर भी अभी झंडा ऊंचा गा रहे थे ना अभी। हा? अब कैंडी प्लांट में काम करोगे? मैं तो फ्लोर में रहता हूँ, फ्लोर में भी कैंडी वाला कैंडी कोई बात है? अपना अपना गीत गाया, दूसरों को भी गाया कर भाई। अपने अपनों का लेकिन सब बहुत राजी हैं, और मुझे बात खुशी है आज छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, और ये भी दिल में एक जज्बा लेकर के जाएंगे कि हम भी दुनिया में नंबर 1 बन के दिखाएंगे। आपको भी ऐसे ही बनना, ठीक है बच्चों?